हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं गोविंद है, आपका मेरे यूट्यूब चैनल या टेक्निकल ग्रुप में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं कि दोस्तों धनी एप्लीकेशन से डिश का रिचार्ज कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपनी डिश का रिचार्ज धनी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार से धनी एप्लीकेशन से डिश का रिचार्ज करेंगे, दोस्तों सारे कुछ प्रोसेस इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। स्टेप बाई स्टेप आपके लिए बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप डिश का रिचार्ज दोस्तों कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल या टेक्निकल ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम ना तरह से प्रकार की काम की और इंटरेस्टेड वीडियो जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप सक्सेसफुल जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों DTH का रिचार्ज करने के लिए सिंपली आपके लिए अपने धनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। दोस्तों जैसे ही आप धनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड चलिए दोस्तों डाल लेता। जैसे दोस्तों आप पासवर्ड डाल लेते हैं आपके नीचे की साइड में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ दोस्तों लोडिंग चलेगी। दोस्तों लोडिंग पूरी हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों आ जाएगा DTH का। दोस्तों रिचार्ज करने के लिए सिंपली आपके लिए एक सर्विस का ऑप्शन दोस्तों दिखाई देगा, यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों एक फिर से लोडिंग चलेगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों इसके नीचे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली से इन ऑप्शन में दोस्तों आपके लिए सिंपली DTH वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर दोस्तों आप सिलेक्ट ऑपरेटर का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आपको अपना ऑपरेटर चुन लेना दोस्तों, जैसे आपकी एयरटेल की दोस्तों डिश है या दोस्तों वीडियोकॉन की जो भी हो दोस्तों आपके लिए सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए यहाँ पर मैं एयरटेल को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों एयरटेल को जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ कंज्यूमर नंबर मांगा जाएगा। दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डाल लेना और व्यू प्लान का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपली से इस व्यू प्लान पर से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों आप प्लान चुन सकते हैं। दोस्तों आपके कौन कौन से प्लान दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे आप व्यू प्लान से दोस्तों प्लान चुन लेते हैं उसके नीचे की साइड में दोस्तों आपके लिए एक रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों हम रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट करने का एक मेथड आ जाएगा। दोस्तों या आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से दोस्तों या UPI से या नेट बैंकिंग से, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों उससे दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप धनी एप्लीकेशन दोस्तों DTH का दोस्तों रिचार्ज कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दोस्तों बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो दोस्तों कैसी लगी। धन्यवाद।